حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शुएब सिद्दीकी, दुआ इंटरनेशनल इस्लामिक अकेडमी से, और आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दर्स नंबर 21 पढ़ेंगे। दर्स नंबर 21 को डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपके पास आने वाला हमारा हर लेक्चर बर वक्त पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम हाल और जुलहाल को डिस्कस करेंगे। हाल और जुलहाल क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं। कहते हैं, कभी फाइल या मफ़ऊल की हालत बताने के लिए जुमला फेलिया में एक इसम इस्तेमाल किया जाता है, इस इसम को हाल कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये जिस इसम की हालत बयान करता है उसे जुलहाल कहते हैं, ये जुलहाल की डेफिनेशन है। तो हाल और जुलहाल की डेफिनेशन आपने जानी, अब उसकी एग्जांपल समझे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उदखुलुल बाबा सुज्जदा, दाखिल हो जाओ, उदखुलु दाखिल हो जाओ, अल बाबा दरवाजे में, सुज्जदा सजदा करते हुए, यानी सजदा करते हुए इस बाब से दाखिल हो जाओ, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। तो ये जो सुज्जदा है ये हाल है और ये मफ़ऊल की कैफियत को बयान कर रहा है, यानी आप दाखिल तो हो जाओ, कौन दाखिल होने वाले हैं, जो उस दरवाजे से दाखिल होंगे उसमें से आप सजदा करके दाखिल हो, ठीक है, यानी जिनको हुक्म दिया जा रहा है वो सजदा करते हुए दाखिल हो। और इस जुमले में सुज्जदा हाल है, ठीक है। और इसके बाद नाज़रीन हम दूसरी बात जानते हैं कि हाल अक्सर इस्म नाकिरा होता है और जुलहाल मारिफा होता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तीसरी बात, हाल हमेशा मंसूब होता है और मुफरत तस्मिया जमा मुजक्कर मुअन्नस होने में जुलहाल के ताबे होता है, यानी जुलहाल जैसा होगा, जिसकी हालत हम बयान कर रहे हैं वो अगर मुफरत है तो हाल भी मुफरत होगा, वो अगर तस्मिया है तो हाल भी तस्मिया होगा, वो अगर जमा है तो हाल भी जमा होगा, वो अगर मुजक्कर है तो हाल भी मुजक्कर होगा, वो अगर मुअन्नस है तो हाल भी मुअन्नस होगा, ठीक है। और तीसरी बात, ये तीसरी बात आपके सामने आ गई। चौथी बात जानते हैं, कभी हाल जुमला भी होता है, यानी अभी तो हम एक वर्ड का बता रहे थे, फाइल या मफ़ऊल, लेकिन कभी हाल जुमला होता है, पूरे जुमले की कैफियत को बयान किया गया होता है। और ऐसी ऐसी सूरत में हाल और जुलहाल में ताल्लुक पैदा करने के लिए या तो वो या फिर ज़मीर लाना ज़रूरी है, ठीक है, जो उस हाल की तरफ लौटती है। मैंने चंद आयात जिक्र की हैं और उसको हम देखते हैं, ठीक है, उर्दू में तर्जमा करें। ये आयात आप देखें, इनमें हमने हाल और रसूल हाल का जिक्र किया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा, वल्लदीना और वो लोग, यबीतूना जो रात गुजारते हैं, लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, सुज्जदा सजदा करते हुए, वक़ियामा और क़याम की हालत में, ठीक है। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने अल्लाह वाले, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, उनकी अल्लाह ने सिफत बयान फरमाई है कि वो सजदा करते हुए और क़याम करते हुए अल्लाह के सामने रात गुजार देते हैं, ठीक है। तो इसमें सुज्जदा और क़यामा दोनों हाल हैं, यानी उनकी कैफियत को बयान किया गया है। और दूसरी बात, दूसरी आयत में देखें, ला तअसु फिल अर्द मुफ्सिरीन, ना घूमो ना फिरो फिल अर्द, ज़मीन में, मुफ्सिरीन फसादी बनकर, यानी इस हाल में कि फसाद फैलाने वाले हो जाओ तुम, इस हालत में ना फिरो, ठीक है। तो मुफ्सिदीन, अब इसमें देखें, मुफ्सिदीन ला ताउसो जमा का सीगा है, यानी मुखातब किया गया, तो जमा में लोगों को मुखातब किया गया, तो उसके लिए हाल भी जमा लाया गया है, मुफ्सिदीन, ठीक है। और तीसरी आयत देखिए, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, अब इसमें हाल जुमला है, अंतुम सुकारा, देखिए, ला तक़रबुस सलाता, नमाज के करीब ना आओ, व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो, ठीक है, नशे की हालत में नमाज के करीब मत आओ। अब देखिए, इसमें वो लाया गया है दरमियान में, जो जुमला हाल जुमला बन रहा है तो उसके लिए वो लाया गया है, यानी नशे की हालत में तुम नमाज के करीब ना आओ। और चौथी बात देखें, रब्बाना मा खलकता हादा बातिला, ऐ हमारे रब, मा खलकता, नहीं पैदा किया तुमने, हादा इसको, बातिला बातिल बेकार, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी बातिला क्या है, हाल बन रहा है। तो ये आपके सामने मैंने आयात जिक्र की हैं जिसमें हाल और जुलहाल का जिक्र किया गया है, बहुत अहम टॉपिक है, इसको समझिए, नोट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।